यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की डूबती नैया बचाने के लिए प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ जोर आजमाइश शुरू की, लेकिन अब उनके इस नारे की हवा खुद उनकी पार्टी की महिला नेता ने ही निकाल दी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही है। मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव को अपने पाले में कर अखिलेश का 11,000 वोल्ट का झटका दे चुकी भाजपा प्रियंका गांधी को भी दिन में तारे दिखाने जा रही है। जिस अभियान के भरोसे प्रियंका देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस की हवा बनाने चली थी, उसी अभियान का सबसे चर्चित चेहरा भाजपा के पाले में खड़ा होकर प्रियंका वाड्रा को मुंह चढ़ाने जा रहा है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रियंका मौर्य जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करेंगी। उत्तर प्रदेश में महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष प्रियंका मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने मेरे चेहरे, मेरे नाम और मेरे 10 लाख सोशल मीडिया फॉलोअर्स का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया, लेकिन जब आने वाले चुनाव के लिए टिकट की बात आई तो यह किसी और को दे दिया गया, यह अन्याय है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला क्योंकि मैं एक ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़की हूं और प्रियंका वाड्रा सचिव संदीप सिंह को रिश्वत नहीं दे सकती थी। प्रियंका मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर टिकट नहीं पा सकी क्योंकि ओबीसी थी और घूस नहीं दे सकी। प्रियंका मौर्य ने कहा कि घूस की रकम किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह ने मांगी थी। सूची जारी होने के कुछ घंटे बाद ही डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह ने उनसे टिकट के एवज में रुपए के लिए किसी से फोन करवाया था, रुपए न देने पर उनकी जगह किसी और के नाम की घोषणा कर दी गई। दावा है कि हर आरोप का उनके पास पुख्ता सबूत है जिसे टीवी चैनल पर दिखाएंगी। प्रियंका मौर्य यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के सारे टिकट तो पहले से तय थे, सिर्फ दिखावे के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। हमसे कहा गया कि टिकट चाहिए तो मैराथन के लिए लड़कियां लाइए, मैराथन में लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। वहीं लखनऊ की सरोजनी नगर की जिस सीट से प्रियंका मौर्य चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी थी वहां से रुद्र दमन सिंह का नाम फाइनल कर दिया गया। सूची जारी होने के कुछ ही घंटों बाद ही प्रियंका मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी में टिकटों के सौदेबाजी का आरोप मढ़ दिया। बहरहाल मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव के पार्टी में शामिल होने के बाद भाजपा के हौसले बम बम थे और अब ओबीसी की बहुचर्चित महिला नेता प्रियंका मौर्य की पार्टी में आने से भाजपा चुनाव को लेकर और आश्वस्त हो गई है। वहीं भाजपा के विपक्षी पार्टियों पर इन ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक से राज्य में चुनावी सरगर्मियां सातवें आसमान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।